वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और बहुत दिनों के बाद व्लॉग हो रहा है क्योंकि कुछ मौका ही नहीं मिला और कह सकते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनी कि हम कैंपिंग कर पाए और व्लॉग बना पाए। तो आपके लिए आज पेश करते हैं बहुत बढ़िया वाला व्लॉग। एक्चुअली हम कल ही यहाँ पर आ चुके थे पर हम घर से इतना लेट निकले कि व्लॉग करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि हम यहाँ पर लोकेशन पर ही अंधेरा होने के वक्त पहुँचे, तो इसलिए मैंने कल व्लॉग नहीं किया। और आप पीछे देख सकते हैं, मतलब बहुत बढ़िया वाला सनराइज़ पीछे हो रहा है, आपने सिनेमैटिक्स तो देख लिए होंगे। और देखते ही देखते पीछे यहाँ पर एक रेनबो फॉर्म हो रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं व्लॉग में, पर बहुत बड़े वाला है रेनबो पीछे। तो मैं आपको कुछ सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ, आपको भी रेनबो देखने का मौका मिल जाए क्योंकि यहाँ पर सीन ही कुछ ऐसा है। और वाटरफॉल है यहाँ पर, पास में दो वाटरफॉल, मतलब देखिए फ्रेम में भी दिख रहा है वाटरफॉल, और एक है जो अंदर है। मैं व्लॉग करते समय उसको दिखा नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो रिस्की सीन हम करते नहीं है। और बढ़िया मज़े आए, कल रात हमने घर से पैक फूड लेके आए थे तो वही खाया। जब बहुत सारे लोग ट्रिप पर निकलते हैं तो किसी ना किसी से तो टाइम तो होना ही है, तो वैसा ही कुछ सीन रहा। और हमारे साथ जो आपने हरिश्चंद्रगढ़ वाला व्लॉग देखा होगा वो सभी आज वही लोग हैं कैंपिंग करने के लिए। तो कुछ कह सकते हैं ऐसे जब ग्रुप्स बन जाते हैं ना कुछ चीज़ों के लिए, तो वो काम के लिए वही लोग हमें चाहिए होते हैं, तो उसी तरीके से कैंपिंग करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आ चुके हैं। और देखते हैं कहीं दूर जाने का प्लान भी करते हैं, मतलब यहाँ पर मुझे लोकेशन पता नहीं है, कृष्णा को सारी लोकेशंस पता है तो उससे बात करते हैं, अगर टाइम मिला तो कुछ बड़े वाला लोकेशन भी एक्सप्लोर कर लेंगे आज। पीछे से बहुत ऊपर आ चुके हैं तो उड़ाते हैं अपना ड्रोन और दिखाते हैं आपको बढ़िया वाले आज सिनेमैटिक्स, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन बहुत बढ़िया वाली है। आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि कैसी लोकेशन है यहाँ पर, मतलब हाईवे हार्डली 100 या 200 मीटर यहाँ से होगा, बस ज़्यादा उससे आगे भी नहीं है, तो सेफ प्लेस है, आप भी यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कैंपिंग करनी है, आप भी संगम नहर के आसपास से व्लॉग देख रहे हो तो तामकड़ा करके सबको लोकेशन ये पता होगी, तो वहीं पर हम कैंपिंग कर रहे हैं। तो दिखाते आपको कुछ बड़े वाले ड्रोन शॉट। आपको ड्रोन शॉट, अगर आपको ड्रोन शॉट अच्छे लग रहे हो तो कमेंट डाउन जरूर करिएगा कि आपको ड्रोन शॉट कैसे लगे। और आपके पास कुछ ड्रोन लर्न करने के कुछ अगर वीडियो के लिंक्स होंगे तो आप जरूर सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें भी अभी बेसिक ही ड्रोन उड़ाना आता है। तो अभी टेंट रैप अप करते हैं, देखते हैं नाश्ता कहाँ पर करना है, हमारे पास नाश्ते का सारा इंतज़ाम तो है पर देखते हैं अभी बनाते हैं या
यहाँ पास में एक होटल भी है, वहाँ पर जाके कर दे, क्योंकि 12 बजने से पहले हमें घर भी जाना है, थोड़ा सा काम है इसीलिए। तो 12 बजने से पहले हमें सब कुछ रैप अप करना है और घर पर जाना है। तो देखते हैं क्या होता है, आपको बताते रहेंगे पल पल की खबर। और हाँ, एक चीज़ बतानी थी, रात को भाई साहब इतनी ज़बरदस्त बारिश शुरू हो चुकी थी कि हमें लगा आज तो काम अपना हो ही गया रात को, पर कुछ हुआ नहीं, मतलब एज सच को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बारिश बहुत कम थी। और यहाँ पर आप पीछे भी देख सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ सिनेमेटिक्स में, वो है चंदापुरी घाट, बहुत ही फेमस घाट है, आप सब लोगों को पता होगा जो लोग पुणे या संगमनेर से आप देख रहे हो। तो गाइस चलो देखते हैं, सॉर्ट आउट करते कि आगे क्या करना है, क्या प्लान करना है, और मिलता हूँ आपको बाद में। सो, अभी जा रहे हैं अम्बे खालसा वाटरफॉल करके है यहाँ पर, ऑलमोस्ट यहाँ से 20-30 किलोमीटर्स मैक्स, और रिटर्न हमें हो जाएगा 50 किलोमीटर्स, पर अभी ठीक है क्योंकि सुबह के बज रहे 8, तो अभी जाकर वहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि अभी रैप अप तो हो चुका है, सिर्फ जाना है वाटरफॉल देखना है आपके लिए और मेरे लिए, सिनेमेटिक्स निकलने और फिर से निकलने आना है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, हेलमेट वगैरह कुछ लाया नहीं मैंने, क्योंकि पास ही जाना है, तो हेलमेट और राइडिंग गियर इस बार मैंने स्किप कर दिए, क्योंकि कैंपिंग करते वक्त वो बहुत परेशानी होती है ये सब कुछ हैंडल करना, तो इसलिए मैं इस बार कुछ लेके नहीं आया हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था इसीलिए मैंने ये किया है, पर आप लोग ना करिएगा, मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि विदाउट राइडिंग गियर और हेलमेट आप बाइक चलाएं, ज़्यादा दूर हो तो, अगर पास में हो तो आप कर सकते हो, मतलब करना तो नहीं चाहिए पर चल जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ से आगे बाइक नहीं जा सकती, और यहाँ पर से एक छोटी सी ट्रेल है, ये ट्रेल करनी पड़ेगी और उसके बाद वाटरफॉल दिखेगा। पीछे से दिख रहा था पर कैमरा बैग में था इसीलिए मैंने आपको दिखा नहीं पाया। हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ से छोटी ट्रेल करनी है, पानी थोड़ा सा वाटरफॉल को कम है तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, हमें पता नहीं था कि कितना पानी है यहाँ पर चलो आ गए तो वाटरफॉल देख के जाएंगे, एक बड़े वाला ड्रोन शॉट, कुछ सिनेमेटिक्स लेते हैं यहाँ से, फिर नाश्ता करके निकल जाएंगे यहाँ से भी। और यहाँ पर ट्रेल तो ख़त्म हो गई, एक खुला ग्राउंड है, यहाँ से बस थोड़ा और रह गया है। तो आपने वो रील देखी होगी, वो ट्रैकर्स के लिए होती है, 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद, वैसा सीन नहीं है यहाँ पर, ओनली 5 मिनट का ट्रेल है, वो पास करते ही आपको दिख जाएगा एक बढ़िया वाला वाटरफॉल। और बहुत दिनों के बाद व्लॉगिंग करने का नुकसान ये है कि कैमरा बहुत हीवी लगता है, पर कोई नहीं। और ये पीछे रहा वाटरफॉल, मैंने आपको जैसे बताया कि पानी बहुत कम है। तो जी कैसे लगे आपको ड्रोन शॉट, अगर ड्रोन शॉट अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ से हम ब्लॉगिंग थोड़ा सा
बंद कर लेते हैं क्योंकि ट्रेल बहुत हो चुकी है ख़तरनाक। आपको एक बार ट्रेल दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जाना है अंदर, तो मिलता हूँ आपको वाटरफॉल के नीचे। फाइनली फाइनली ये रहा वाटरफॉल। और कुछ इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर, बहुत गलत काम है यहाँ पर। और ये रहा आज का नाश्ता पॉइंट वाटरफॉल के एग्जैक्टली नीचे। तो ट्राइपॉड रह गए नीचे, तो आपको ट्राइपॉड से भी दिखा देता कि क्या नज़र है यहाँ से। देखते हैं, कुछ तो जुगाड़ करते हैं, मतलब यहाँ पर कैमरा थोड़ा रिस्की जगह पर रखना पड़ेगा, पर कर लेंगे। थोड़ा सा आपको दिखा देंगे कि क्या बढ़िया जगह पे हम हैं आज। और फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा एडवेंचर कर रहे हैं, मतलब मैं पहली बार कर रहा हूँ। ये जो प्रतीक, कृष्णा और प्रणव है, इन लोगों ने बहुत बार किया है, तो फर्स्ट टाइम मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। बस यही कुछ कहने के लिए, सब कम पड़ रहे हैं आज, बहुत बढ़िया। आप तब तक टाइम लैप्स एंजॉय करिएगा, कुछ सिनेमैटिक्स एंजॉय करिएगा। सो ये रहा वाटरफॉल। जैसे कि मैंने कहा था, पानी थोड़ा सा कम है, पर ठीक है, मतलब यहाँ पे आना वर्थ इट रहा, इतना तो पानी है यहाँ पर। तो आप बड़े वाले सिनेमैटिक्स एंजॉय करिएगा। चुका है जो बढ़िया बढ़िया अभी तक चल रहा था, वो सभी जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। यहाँ पर से मेरा पैर फिसला और मैं गया पानी में। उसके साथ साथ मेरा कैमरा बैग जो था ऐसे ही गले में था, और वो भी था पानी में। तो अभी उसको बैटरी वगैरह तो निकाल दी है मैंने, पर थोड़ा सा पानी अंदर चला गया था, तो इसकी वजह से टेंशन है। अभी एक दो दिन उसको अच्छी तरीके से ड्राई करेंगे, उसके बाद ही उसको शुरू करेंगे। अभी मैं एक दो दिन तो उसको स्टार्ट करने की रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा हुआ पूरा कैमरा नहीं बिगा, थोड़ा हल्का सा पानी लग गया उसको, मतलब बारिश के वक्त जितना लगता है उतना ही लगा है, पर पूरा पानी में गिरने का टेंशन अलग ही लेवल का होता है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, अभी सीधा डायरेक्टली घर पर जाएंगे। मुझे नहीं पता रास्ते में मैं ब्लॉग करूँगा या नहीं। तो यहाँ तक अपने ब्लॉग देख लिया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना अनिवार्य है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, लाइक कमेंट कर दिया तो शेयर भी कर दीजिएगा। इतना ही काम कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर जो जो भी हमने फोटोज लिए, रील्स निकले, वो आपको देखने को मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, और जो कि है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ। तो जाके वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। तो दिस इज़ अनुराग साइनिंग ऑफ।